हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त शिवांग न्याल आ गया दोबारा आपके साथ एक नया व्लॉग लेकर। और जैसे कि आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं, आज के व्लॉग में क्या, हम जा रहे हैं कोटद्वार। पापा मम्मी और मैं कोटद्वार क्यों जा रहे हैं वो आपको पता ही है। मामा की शादी है, जो शादी का व्लॉग मैंने पिछले साल गर्मियों में दिखाया था। उनके छोटे भाई की शादी है, मतलब में हमारे अंकित मामा मम्मी के चाचा के लड़के। तो शो दोस्तों, अभी फोन आ गया था दीदी और का, क्योंकि हमारे साथ जा रही सालू दीदी और साक्षी दीदी। तो बस 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 में जा रहे हैं हम उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट, उसमें परिवहन में। तो चलिए अब आप देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं। और दादी और हन्नी नहीं जा रहे हैं, दादी हन्नी यहीं पे हैं। तो चलिए अभी बताते हैं क्या क्या हो रहा है। तो बैग विगिन तैयार और हम भी हुए गए तैयार। हम तैयार हुए गए और अब हम जाना छो। दादी रुकेगी, दादी बाय कर दो। दादी यहाँ पे हन्नी के साथ रुकेगी और हम जाएंगे शादी में। पापा मम्मी भी तैयार हो गए अंदर। तो इधर मम्मी पापा भी रेडी हो गए। सब ने कपड़े ऐसे पहन रखे जैसे कुल्लू मनाली जा रहे होंगे। पापा इधर देखो, स्याले की शादी में जाने के लिए तैयार हो। साले की दादी को बाय करते हैं। चलो अच्छा बाय। ओके दादी, बाय बाय। बाय कर दो, बाय बाय। अब चलते हैं, ध्यान रखना अपना। हाँ, और अब जा रहे हम कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट में बस है। पहुंच गए आईएसबीटी। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। बस हमने ऑनलाइन टिकट बुक करा रखी है और अंदर हमें कोई मिलने वाला है, उनसे भी मिलाएंगे आपको। तो चलिए अंदर चलते हैं। पापा को भी हम ऑटो से उतरते हैं, बस हम अंदर जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पे शोर आ रहा है। माटी ओ मेरु पानी है माँ। तो सामान की चेकिंग भी हो गई है और हम आ गए ये रहा महाराणा प्रताप बस टर्मिनल। और मम्मी भी आ रही पीछे। और ठंडा हो रहा है, मतलब हमने खूब कपड़े पहन रखे, गांव जा रहे हैं उत्तराखंड, तो वही ठंड लगने वाली है। तो अभी हम जाएंगे जहां पे हमारी बस होगी और अभी आपको मिलाएंगे दो लोग से, दिखाते हैं आपको कौन है हम। इस साइड है हरियाणा रोडवेज, पर हमें जाना है उत्तराखंड रोडवेज और उत्तराखंड परिवहन, और साथ ही साथ उधर हमारा यूपी परिवहन भी होता है। मम्मी आ रही पीछे से और बस में मैं अब आ रहा हूँ बहुत साल बाद। दिखाता हूँ दो लड़कियों को यहाँ पे चुपके से मैगी खा रही। ये देखिए दोनों यहाँ पे मैगी खा रही हैं। पहुँच गए, हेलो हेलो, तेरी मम्मी कहाँ है? तो ये रहा सामान इतना सारा, ये बैठे उधर। हमने बोल दिया है आइए, ये घर से तीन रोटी खा के आई थी और फिर भी मैगी खा रही है। देखिए तो हमने खाने पीने का सामान ले लिया है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा रेट पे मिल रहा है। और पीछे बसेस लगी हुई है, अभी हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। तो जब हमारी बस लग जाएगी तब हम उसमें जाएंगे। इस कैसा लग रहा है, मैथ जा रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये दोनों भी जा रही हैं, हमको तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम तो 6 महीने बाद जा रहे हैं, मैं जा रहे हैं। ये भी हमारा भी माइक ही हुआ अब तो। ये दिल्ली ससुराल से जा रही दोनों। यस, हाउ एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बाकी अभी तो इन्होंने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, एक्साइटेड नहीं होंगे जितना हम एक्साइटेड हैं। अभी तो इन्होंने फुल कपड़े पहने, कल देखना इनको। बताना तेरी मम्मी को, कल कल देखना इन तीनों को कि फुरपुरी में होंगी, कल इनके लिए ठंड गायब हो जाएगी। तो हमारी ऑनलाइन वाली बस लग गई है बस। सॉरी सर, तो ये रही हमारी बस ऑनलाइन की। तो ये रही हमारी बस जो ऑनलाइन बुकिंग की है पूरी 10 बजे वाली। तो ये रही बस ऑनलाइन बुकिंग वाली बस। अब हम सामान रखते हैं, पहले पीछे सब है सामान रख रहे हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको अच्छे से। दगड़े हम बैठ गए बस में और अभी सब लोग आ रहे हैं। दगड़े यार देखा, सब बिगड़ वाली है छिन्न गड़ वाली।
सब गड़बली छन और सब लोग अभी सामान रखना छन। सब अभी बोलना छन कि सामान कक रखन कक रखना। हर वे सामान दिखा कन बोलू छे अरे चौधरी बन रही सबके सब तो हमने मतलब सामान वामान रख दिया, बैठ गए तैयार। मतलब बस 10 बजे की बस है और फिर हम निकल जाएंगे। सब बैठ गए हैं दाल और चना दाल बस बस अब जब निकलेंगे तब दिखाएंगे। और पापा मम्मी उधर बैठ रखे हैं, बाकी सब भी गड़वा ली है और ये दोनों इधर बैठ रखे हैं। वो बस चलने लग गई है। यख बैठी अपनो सर्यास निहारी होली ओ इंजर्ड लगन देखा ये अमीन बोल छे नहीं अभी फुटपुरे में आना छे ना तब ये प्यार कुछ जा रही बिना जद लग रही कन लगनो छे तब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जद ये पूरी पहाड़ी बन चुकी है इधर भी जद लग। शिवांग की मम्मी का जुगाड़ ला रखा है हमारे लिए। शिवांग की मम्मी ने लगाया है जुगाड़, हम तो कुछ लेके नहीं आए थे। बस ठंडा तो है भाई, चलिए अभी चल रहे रास्ते में। और अभी हम हाईवे में हैं तो बस अभी चल ही रहे रास्ता जा रहे हैं। और ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा बाहर। तो अभी हम पहुँचे हैं मीरापुर में और बहुत ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे रुके हुए ढाबे में बाकी बसें भी रुकी हुई है। 3:40 और अभी हम बोर्डर पहुँचने वाले बस पहुँच गए। मतलब पहुँच गए कोटद्वार और अभी बस अड्डा जाना है। और ठंड में जाम हुई मेरी आवाज़ आ रही है। देखो सामान निकला है, जरा हमारा भी निकल गया। और ये दोनों पैर आ चुकी हैं अपने घर। हालत बुर तो तगड़े हो, ये बैठ गए ऑटो में टेम्पो में और चलो चलो लग गए उधर। आई दिल्ली वाले मास्क लगा रहे हैं, नाक में हवा जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हो आप कि मैं पहुंच गया हूँ नाना और के घर। और गले की वाट लगी हुई है, गलत खराब हो गलत ठंडा हो रहा है। और हम पहुंच गए थे कल रात को, पहुंच गए थे हम 4 बजे तक घर पे, 4:15 तक 4:15 तक। और फिर हम बस थोड़ा चाय पानी पिया और उसके बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि नींद आ रही थी बहुत। और रास्ते में भी सोए थे तो आप देख सकते हो पीछे पूरा खेत वेत है, पूरा हरा भरा हो रखा है। और आपको बता देता हूँ कि सुबह सुबह बन रही है अभी भरी रोटी और हरी चटनी। मामी बना रही है भरी रोटी, तो चलिए आपको दिखाते हैं पहाड़ी किचन से भरी रोटी। तो ऑब्वियसली आपको दिखाया नाना और के घर, ये नाना और के घर है। तो इधर ही बैठ रखे, उधर नानी भी है, नानी है। नानी हेलो कर दे, हेलो बोल दे, हेलो कर दे, हेलो हेलो कर दे इसे, इन हेलो कर दे, हेलो हेलो। और इधर बन रही है रोटी और चटनी, मामी बना रही है रोटी। मामी हेलो कर दो, मामी बना रही है भरी रोटी और मम्मी बना रही है इधर चटनी। भरी रोटी बन रही है दाल की। तो आज बन रहा है पूरा पहाड़ी ब्रेकफास्ट। तो बस अभी गले का भी कुछ इंतज़ाम करते हैं, गरम गरम पानी पियेंगे और फिर करेंगे फ्रेश होके पहाड़ी ब्रेकफास्ट। तो आपको भी दिखाएंगे ना नाश्ता करने लगे। नाना हेलो कर दो, हेलो क्या खा रहे हो आप? अरे भरी रोटी और चटनी। कन होनो अरे अरे तू ना भरी रोटी स्वाद आनो बहुत बढ़िया। इन 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 तो हम अब तो तू नु का रह गया
बड़ी रोटी बोल दी ये चटनी चटनी तो ये वो क्या धनिया धनिया चटनी और वो लहसुन धनिया मिला मिले कर बहुत बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास ठीक नन्नी भी खानी चाहिए यक भरी रोटी खाओ खाओ मैं कानूनी जब बुरी रोटी जब खा दादी का ब्लॉग ये मार को कई मारा ये आप कह रहे हैं तो कोई मारा नहीं है क्या अच्छा हमको दे रखा है कल नूनो नानी कल नूनो कनूनो बढ़िया उनू खाओ खाओ दगड़े देखा यक पहाड़ी नाश्ता और बगल में खेत भी छिन और पहाड़ भी छिन अब मम्मी पापा भी खाना छिन कनूनो कैसा हो रहा पापा बहुत टेस्टी हो रहा मम्मी तो अगर मैं बात करूँ मौसम की यहाँ पहाड़ में मतलब उत्तराखंड में तो अभी सुबह और रात को तो बहुत ठंडा है और दिन में घाम बहुत तेज़ है तो घाम मतलब धूप बहुत तेज़ है तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है और हमने नाश्ता वास्ता कर लिया मज़ा आ गया भरी रोटी खा के और अभी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी सालुद्दीन का लैपटॉप नहीं चल रहा था बेचारी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रही थी तो बट अब माउस मंगाया है कैसे करके माउस मंगाया है यहाँ पे तो बस अब वो करेंगे और हमारा नाश्ता पानी हो गया है बाकी अब आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर और सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को वीडियो को शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये रही है बेचारी परेशान हो गई थी अभी और इनको बहुत टेंशन हो गई थी इनका लैपटॉप ख़राब हो गया है अब बेचारी जल्दी जल्दी कर रही देखिए आप मतलब कितने एफर्ट वाले बंदे हैं ये लोग कि शादी में भी काम करेंगे वर्क फ्रॉम होम पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबा देना और मिलते हैं अगले व्लॉग में वो और इंटरेस्टिंग होंगे तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।